नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। द ग्रेट खली के नाम से जाने जाने वाले दलीप सिंह राणा हिमाचल के सिरमो जिले के एक छोटे से गांव घिरीना के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर के तौर पर इन्हें लोग जानते हैं। खाली अपने करियर को एक मे के तौर पर अजमाने से पहले वो पंजाब पुलिस में एक अफसर के तौर पर काम किया करते थे। हालांकि खाली अब एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी संघर्ष भरी कहानी है। तो चलिए इसे जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर खली ने अपनी यही पहचान बनाई। प्रारंभिक जीवन। जन्म अगस्त 27, 1972 को हुआ। खली के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो खली के समेत कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें से खाली बचपन से अच्छे शरीर के साथ साथ सेहत भी शानदार थी और इसकी बदौलत ही वो परिवार में सबसे अलग दिखते थे। खली के पिता एक किसान थे। जाहिर है, किसान होने के नाते आमदनी केवल इतनी ही होती है कि वो बस अपने परिवार को पाल पाते। चूंकि पिता किसान थे, इसलिए परिवार में बच्चों के बड़े होने के साथ साथ आर्थिक हालत अनुकूल नहीं थे। इसलिए खाली यानी दलीप को भी अपने दूसरे भाइयों के साथ मजदूरी का काम करना पड़ता था और वैसे शरीर फिट और दूसरे लोगों से अधिक क्षमता के कारण खली के लिए यह कोई मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी मजदूरी मजदूरी ही है और इन्हें शिमला में भी बहुत दिन मजदूरी का काम करना पड़ा। आज खली भले ही इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त WWE स्टार है, लेकिन वे कभी रोड परियोजना के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे। खली के गांव घिराना की औरतें उन्हें भारी भरकम काम, जैसे जानवरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, सामान उठवाना जैसे काम करवाती थीं। इसी दौरान खली पंजाब पुलिस में SI असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए क्वालिफाई किया। खेली के लिए उनके दोस्त अमित स्वामी काफी लकी हैं। खली अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन येट्स से मिलने गए। येट्स खली का डीलेडोल देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्हें रेसलिंग में किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। येट्स का यही सुझाव खली को जापान ले गया। इसके बाद खली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमेरिका जाकर WWE में अपना अलग मुकाम बनाया। दुनिया भर में मशहूर WWE योद्धा हल्क होगन और द रॉक के साथ काम करते हैं। WWE कार्यक्रम वालों को राणा का नया नाम ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। किसी ने उन्हें जायंट सिंह कहा तो किसी ने उन्हें भीम नाम से संबोधित किया। खली का शरीर उनके साथ के उम्र के बच्चों से काफी अधिक बड़ा था तथा उन्हें अपने पैर के साइज के जूते नहीं मिल पाते थे और उन्हें जूते बनवाने के लिए अपने गांव से बाहर जाकर दूसरे मोची से बनवाने पड़ते थे। द ग्रेट खली बहुत अधिक ताकतवर थे, जिसके कारण गांव की महिलाएं किसी भी प्रकार का भारी भरकम काम खली से ही करवाया करती थी और वो सबका काम किया करता था। द ग्रेट खली बड़े होने के बाद शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और जब शिमला पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उसी वक्त पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर की नज़र खली की ओर पड़ी, जिनका नाम SS भुल्लर था, और उन्होंने उसे पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दिया। और खाली जब पंजाब आए तो उनका पूरा खर्च भुल्लर साहब ने उठाया। जब खाली पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे थे तब उनके एक दोस्त बने, जिनका नाम अमित स्वामी था, और उनसे दोस्ती करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। फिर वो दोनों एक साथ दिल्ली एयरपोर्ट गए, जहां उनके मनपसंद पहलवान डोरियन येट्स से उनकी मुलाकात हुई और डोरियन येट्स ने जब खली का शरीर देखा तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने खली को सुझाव दिया कि वो रेसलिंग में अपना किस्मत आजमाए। और उसके बाद से ही खली रेसलिंग में अपनी किस्मत आजमाने लगा और बहुत ही जल्दी खली जापान चले गए और उसके बाद तो उनकी किस्मत ही बदल गई। अमेरिका के अटलांटा शहर में रहने वाले खली WWE स्टार होने के अलावा हॉलीवुड अभिनेता भी हैं। वर्ष 2005 की हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैग्रबर जैसी फिल्मों में खली अभिनय कर चुके हैं। इसके साथ ही खली बॉलीवुड फिल्म कुश्ती और रामा द सेवियर में भी अपनी चमक बिखेर चुके हैं। अजगर से भी नहीं डरते। आपको बता दें, 190 किलो वजन वाले खली भारत के जंगल में घूमते हैं और उन्हें अजगरों से डर नहीं लगता है। शाकाहार के प्रबल समर्थक खली तंबाकू और शराब से भी दूर रहते हैं। 2006 में वर्ल्ड रेसलिंग से जुड़े ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा ने साल 2006 में रेसलिंग की दुनिया WWE में कदम रखा था। 2 जनवरी 2006 को WWE में प्रवेश करने के बाद खली की पहली फाइट 7 अप्रैल 2006 को TV पर प्रसारित की गई थी। 7 फुट 3 इंच लंबे खली ने शुरुआती दौर में एक के बाद एक फाइट में अंडरटेकर सरीखे पहलवानों को पटखनी दी। 2008 में खली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने के बाद 2008 में ही खली पहली बार स्वदेश लौटे। उस दौरान खली ने भारत में भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। ग्रेट खली ने 7 अक्टूबर 2000 में WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में डेब्यू किया। इस दौरान वे न्यू जापान प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। अंडरटेकर के करियर का सबसे खतरनाक मैच 2006 में अंडरटेकर के साथ रहा। इस फाइट के लिए ग्रेट खली ने अंडरटेकर को चैलेंज कर पीटा था। 2007-08 में खली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस दौरान उन्होंने शॉन माइकल सहित कई पहलवानों को हराया। बाद में वो पेशेवर कुश्ती की आधुनिक कला सीखने के लिए विदेश चले गए। वास्तव में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर भी 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं मिलती,
लेकिन फिर भी खली ने जोखिम लेने का फैसला किया और ऑल प्रो रेसलिंग बूट कैंप नामक एक छोटे कुश्ती विद्यालय APW में शामिल हो गए और विभिन्न प्रकार के स्लैम और तकनीकों को सीखना शुरू कर दिया जो इस पर हावी करने के लिए उपयोगी थे। विरोधियों से उसके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई जो उसके शक्तिशाली शक्ति के कारण उनके प्रतिद्वंद्वियों की कोई कुशलता या तकनीक नहीं थी। जहां उन्हें पकड़ने में सक्षम थे, उन्होंने अपने साथी छात्रों की पूरी सेना को लगभग नंगे हाथ से तबाह कर दिया और यहां तक कि स्वामी भी थे। अपने गुणों के साथ चकित 1996 के साल में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑल प्रो रेसलिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां उन्होंने ऑल प्रो रेसलिंग में कई महान पहलवानों को घायल किया और पराजित किया। अपने पहले मैच के लिए उन्होंने टोनी जोन्स के साथ वेस्ट साइड प्लेजा में साथ मिलकर काम किया। कैलिफोर्निया के APW में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद खली NJPW न्यू जापान प्रो रेसलिंग में चले गए। अगस्त 2001 के दौरान ई सिंह ने मसाहिरो चो के द्वारा नए चरण में प्रवेश किया और विशालकाय सिल्वा के साथ NJPW के इतिहास में सबसे ज्यादा टैग टीम भागीदारों में से एक बनाकर 7.2 की अधिक ऊंचाई और 805 पौंड का संयुक्त टीम बनाई। ये संयोजन टोक्यो डोम में एक हस्तकला मैच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मैच में दोनों ने विशाल चार कुतिकारों को हराया। अगले विश्व कुश्ती मनोरंजन WWE के ग्लैमर की ओर उनकी यात्रा हुई। 2005 के अंत के दौरान WWE का प्रबंधन जापान में कंपनी के प्रभाव को फैलाने की योजना बना रहा था और इसलिए WWE के कई उच्च कार्यकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जापान गए थे। जब उन्होंने विशालकाय विशाल सिंह को देखा तो वे उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। तथ्य: ग्रेट खली ने बोलो के रूप में अपनी भूमिका के लिए 2012 में फ्रांसीसी फिल्म सुर ला पिस्टे डू मासुपिमा में काम किया था। अन्य प्रसिद्ध पहलवानों के विपरीत खली बहुत धार्मिक है, तो वह मांस, शराब, ड्रग्स, कैफीन, तंबाकू का उपभोग नहीं करता। नाम द ग्रेट खली हिंदू देवी काली से ली गई है जो शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। खली ने 7 अक्टूबर 2009 विशाल सिंह के तहत पेशेवर कुश्ती में अपना पहला प्रदर्शन किया। उनके माता पिता यानी दलीप सिंह या खली के विपरीत सामान्य आकार के हैं, लेकिन खली के दादा 6 फुट 6 इंच लंबे थे। खली के 6 भाई हैं। उनके पिता का नाम ज्वालाराम है और मां का नाम तांदी देवी है। 7 अप्रैल 2006 को अंडरटेकर को पिटाई करके उन्होंने स्मैकडाउन में शुरुआत की। खली ने 1997 और 1991 में बॉडीबिल्डिंग मिस्टर इंडिया खिताब जीता था। पेशेवर कुश्ती में प्रवेश करने से पहले दलीप सिंह पंजाब राज्य पुलिस में पुलिस अधिकारी थे। 2012 तक उन्होंने 4 हॉलीवुड फिल्मों, 2 बॉलीवुड फिल्मों और 1 फ्रांसीसी फिल्म में अभिनय किया है। 28 मई 2001 को ब्रान ओंग की खली से एक फ्लैपजैक प्राप्त करने के बाद मृत्यु हो गई। 26 जुलाई 2012 को खली ने अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि पर ट्यूमर के कारण मस्तिष्क की सर्जरी की।